404 वेटनरी इंस्पेक्टर्स एनिमल हस्बेंडरी विच रखने सीगे ते उन्हां विचों 134 लिटरली आई डोंट नो परसेंटेज कितनी बन जाती 25-30% अपने नौजवानों को हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश ते राजस्थान विच नौकरी लेके दिखाउण ले नहीं सकते मतलब ही कोई नहीं क्योंकि उतों की स्टेट गवर्नमेंट इश्तहार विच पहला लिख दिया कि अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट लाओ कि मैं पंजाब का बछिंदा मैं पंजाब का रहने वाला वा मैं पंजाब दे विचों 10वीं या 12वीं जिहड़ी आ पंजाबी जुबान दे विच कीती आ और मैनू दसण वाले ने भी दस्या कि बेतहाशा नकल चलदी आ आ जिहड़े तुहाडा ख्याल आ निरवाणे दे ते जींद दे ते हिसार दे ते हरियाणे चों रहण वाले या राजस्थान दे जिलियां चों इत्थे आ रहे ने की उहनां नूं पंजाबी आउंदी होऊगी और कई बार ये भी सरकार कह दिंदी कि तुहानूं असीं नौकरी ते रख लिया वा तुसीं पंजाबी दा सर्टिफिकेट सानूं 6 महीने बाद प्रोवाइड कर दो सब नूं पता वा कि सर्टिफिकेट मुल मिलदे ने जिहड़ा मर्जी जाके उत्थे खरीद सकदा वा एड्डा वड्डा धोखा साडे पंजाब दे नाल और उहदा भगवंत रोज शोर मचाउंदा कि मगरलियां सरकारां ने दा बेड़ा गर्क हो गया इन्हां ने नौकरियां नहीं दित्तियां और सारे साडे नौजवान जिहड़े ने उह विदेशां नूं भज गए ने एजेंटां दे शिकार हो गए ने कनेडा च रुल रहे ने और ये गल सच भी है पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड जिहड़ा जिन्हें सानू पढ़ाई करवानी है जिन्हें साडे बच्चों नूं पंजाबी सिखाउणी गुरुआं दा इतिहास सिखाउणा बाबा बंदा सिंह बहादुर दी जानकारी देनी है वह दिल्लियों लिया के कोई बीबी बेदी है उसनूं चेयरमैन ला दिता पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड दा 1 करोड़ रुपए की मुंदरी यह कितों आया थोड़े को विजिलेंस दूजिया दुआले तो बहुत कमाने मेरे खिलाफ 51 साल पुराना कढ के तुसी माल महकमे का साढ़े परिवार का अपना तो FIR दर्ज की है कि विजिलेंस थोड़ी भी जांच करेगी कभी सत श्री अकाल D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता है सूबा सरकार किसी ना किसी मुद्दे को लैके विरोधियों के निशाने के उत्ते आ ही जाती है इस दे चलदिआं सुखपाल सिंह खहरा जो कांग्रसी विधायक ने उन्होंने नवा मुद्दा चुकया है मुद्दा नौकरियों का पर नौकरियां पंजाब तो बाहरले लोगों को दित्तियां गईआं ने सुखपाल खहरा वल्लों कुछ दस्तावेज भी दिखाए गए हैं जिन्हां दे उत्ते वह कहिंदे ने कि आ पूरी सूची है जिदे विच बाहरले लोग पंजाब दे विच आके नौकरी कर रहे हैं होर की कहना सुखपाल खहरा का आओ तुहानूं सुनाउणे आ दोस्तों अज एक बार फिर मैं तुहाडे नाल बड़ा इंपोर्टेंट इशू करना वा डिस्कस साडे नौजवानों के भविख बारे जिहड़ियां पंजाब सरकार नौकरियां दे रही है जदों दी भगवंत मान सरकार बनी आ इन्हां ने काफ़ी महकमें विच गैर पंजाबियों और दूसरे सूबियां दे नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां ने अज मेरे कोल जिहड़े तत्थ ने यह पशु पालन विभाग एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट ने कड़ियां तां पोस्टां सीगियां तकरीबन 605 पोस्टां कड़ियां सी इन्हां ने वेटनरी इंस्पेक्टर्स दियां और नाल लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर्स दियां उहदे चों ऑफकोर्स उन्नियां कुछ राखवांकरण हुंदा लड़कियां दे वास्ते कुछ जनरल कैटेगरी हुंदा ते कुछ बाकी पोस्टां जिहड़ियां ने ओह रिजर्व कैटेगरी च तुसीं हैरान होवोंगे कि इह 605 पोस्टां चों 404 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र वंडे ने पिछले दिनों च उन्हां नूं जॉब्स दित्तियां गईआं लेकिन सब तो जिहड़ी अफसोसनाक गल है कि आ मेरे को प्रॉपर लिस्ट है सारी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है वैसे अगर तुसीं देखोगे कई पेजेस की लिस्ट हैगी है लेकिन आ जिहड़े नौजवान ने सारे अगर तुसीं लिस्ट नूं बरीकी नाल देखोगे इस 404 वेटनरी इंस्पेक्टर्स ते लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर्स दे विच्चों 134 जिहड़े ने वो हरियाणा ते राजस्थान दे ने बहु गिणती वैसे राजस्थान दे ने मिसाल दे तौर ते मैं पढ़ देना जिहड़ा पेज पूरा ये है तो 37 सिर्फ क्योंकि एक पेज पर 37 सीरीयल नंबरस आते हैं 37 की लिस्ट हैगी है मोटे तौर पर जिहड़ा उत्ते मेरे को एक नंबर ते नाम हैगा वीरपान विलेज पोस्ट ऑफिस कटवाल तहसील इलेवा डिस्ट्रिक्ट जींद इस तरह ही रण सिंह यह हैगा वा जी चाहड़ वाला इहदा हैगा शाहपुरा पिंड पोस्ट ऑफिस ते हरियाणा फिर आ गया विनोद कुमार यह हैगा विलेज ते पोस्ट ऑफिस पीरथला तहसील टोहाणा फतेहाबाद हरियाणा सुरेश कुमार यह हैगा नरवाणे दा मदन लाल यह हैगा एलानाबाद दा शिवचंद यह हैगा तहसील डब वाली हरियाणा दा लाइकवाइज ईश्वर दत्त
निर्वाणा जींद तो कृष्ण कुमार पिंड लहरिया हरियाणा, इस तरह ही अशोक कुमार पटेल नगर कैथल हरियाणा। यह लंबी लिस्ट है, मतलब कहने का मोटे तौर पर मेरे भाव आ कि 404 वैटनरी इंस्पैक्टर्स एनिमल हस्बेंडरी रखने से, उन्होंने 134 लिटरली आ उन्होंने परसेंटेज कितनी बन जाती 20-25-30% हरियाणे ते राजस्थान के नौजवान रखे ने। अज की अजीत अखबार ने यह खबर, क्योंकि कल मैं ट्वीट किया, मैं बिजी सी मानसा जा रहा सी अपने धरने वास्ते, आ अजीत अखबार ने बहुत वड्डी खबर मेरे ट्वीट के अकाउंट तो चक के कि किस तरह गैर पंजाबियों नूं पंजाब दे विच नौकरी दित्ती जा रही है। और यह पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों, ये जिहड़े शोर मचाउंदे सी बदलाव बदलाव और पंजाब की गल करते, इन्होंने पहला PSPCL जिहड़ा साडा पावरकॉम जिहड़ी बिजली बोर्ड आ, इहदे बहुत सारे नौजवान जिहड़े सीगे, तुहानूं असीं उदों भी लिस्टां जारी कीतियां, इन्होंने राजस्थान ते हरियाणे दे नौजवानों नूं तरजीह दित्ती। फिर इन्होंने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट विच जिहड़े सोशल मीडिया से जिहड़ी भर्ती करनी सी लख लख रुपया 75-75 हज़ार रुपया तनखा 50-50 हज़ार तनखा सारे दिल्लियों लिया के केजरीवाल के कहण से राघव चड्डे के कहण से पंजाब दे विच भर्ती की इन्होंने। और इस तरह ही जिहड़ियां होर महकमें विच नौकरियां चल रही ने, क्योंकि डोमिसाइल की शर्त ही नहीं लाते जिदा बाकी सारिया स्टेट्स अपने नौजवानों को हरियाणे ते हिमाचल प्रदेश ते राजस्थान में नौकरी लेके दिखाउण ले नहीं सकते, मतलब ही कोई नहीं, क्योंकि उत्थों की स्टेट गवर्नमेंट इश्तहार पहला लिख दिया कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ कि मैं पंजाब का बछिंदा, मैं पंजाब का रहने वाला वा, मैं पंजाब के 10वीं या 12वीं जी पंजाबी जुबान दे विच कीती है। और मैनू दसण वाले ने यह भी दस्या कि बेतहाशा नकल चली है। आ जिहड़े तुहाडा ख्याल आ निर्वाणे दे ते जींद दे ते हिसार दे ते हरियाणे चो रहण वाले या राजस्थान दे जिलों चो इत्थे आ रहे ने, की उन्हां नूं पंजाबी आउंदी होऊगी? और कई बार यह भी सरकार कह दिंदी कि तुहानूं असीं नौकरी ते रख लिया वा, तुसीं पंजाबी दा सर्टिफिकेट सानूं 6 महीनों बाद प्रोवाइड कर दो। सब नूं पता वा कि सर्टिफिकेट मुल मिलते ने, जिहड़ा मर्जी जाके उत्थे खरीद सकदा वा। एड्डा वड्डा धोखा साडे पंजाब दे नौजवान, और उहदा भगवंत रोज शोर मचाउंदा कि मगरलियां सरकारां ने दा बेड़ा गर्क हो गया, इन्होंने नौकरियां नहीं दित्तियां और सारे साडे नौजवान जिहड़े ने विदेशां नूं भज गए ने, एजेंटां दे शिकार हो गए ने, कनेडा च रुल रहे ने। और यह गल सच भी है, पर यह दसण कि इन्होंने पिछले 16-17 महीनों जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां ने, यह अपने पंजाब के नौजवानों नूं ते लड़कियां ते लड़कियां नूं तरजीह क्यों नहीं दिंदे हैगे? यह हरियाणे ते राजस्थान ते दिल्ली विचों लिया के भर्ती क्यों की जा रही है? कौन करवा रहा वा? इहदा मतलब भगवंत मान की कोई गल नहीं चल रही, एक सिर्फ शर्त लिखनी है कि असी फलानिया नौकरियां एडवरटाइज कीतियां, इहदे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, इहनू बोनाफाइडी पंजाबी होना पवेगा, इहदे कोल 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट होना जरूर है पंजाबी पास कीती दा। कुछ नहीं मंगते कि साडियां नौकरियां जिहड़ियां, और साडे नौजवान इत्थे इन्ने क हताश ते मायूस ने, और सारे तो कैनेडा जा नहीं सकते मेरे वीरों, जिहड़े बेचारे उदास होए ने वो सारे नशियां दे शिकार होए ने, जिहड़े नशे अज पंजाब दे विच जिहड़े कहिंदे केजरीवाल के असीं 3 महीनों च नशे खत्म कर देंगे, मेरे अपने हल्के च 2 नौजवान इको जगह ते इको ही जहर ओवरडोज पी के टीके ला के अपनी नसां विच हमीरे ते दयालपुर के दरम्यान मरे पे नजर आए। मैं उन्होंने घरां विच भी जा के आया, तो कल उन्होंने भोग है 9 तरीक नूं, 2 नौजवान इको जगह के उत्ते। और इस तों इलावा जिहड़े बेतहाशा लड़कियां दे नशे की वीडियोज आईयां पंजाब दे विच, कि इसलिए असीं बदलाव लैके आए सी, कि इसलिए लोगों ने वोटां पाईयां सी कि साडियां नौकरियां पंजाब दियां तुसीं हरियाणा ते राजस्थान वालिआं नूं दिओ, तो फिर पंजाब का की बनेगा? और इत्थे बस नहीं, तुसीं हमेशा भुल जाने हो, राज्यसभा बहुत इंपोर्टेंट पोजिशन हुंदी आ, इन्हां ने राज्यसभा दीआं साडीआं सीटां वी जिहड़े संदीप पाठक ते राघव चड्डा ते पता नहीं किहड़े किहड़े बंदिआं नूं उत्थे दित्तीआं, कोई लब्भा तुहानूं राज्यसभा दा मैंबर जदों लोड़ पैंदी पंजाब दी, लोड़ पैंदी NSA दा विरोध करन वास्ते, कित्थे ने राज्यसभा दे मैंबर? अज रोज़ लोड़ पैंदी पंजाब दे विच नशिआं दी गल उठाउण वास्ते, कित्थे ने राज्यसभा दे मैंबर? अज लोड़ पवेगी सानूं कि गैर पंजाबीआं नूं ते बाहरले सूबिआं दे नौजवानां नूं तुसीं पंजाब विच नौकरियां क्यों दे रहे हो, कित्थे राज्यसभा दे मैंबर? और इत्थे बस नहीं, इस तों इलावा जिहड़ियां इंपोर्टेंट पोजिशनज़ आ रहीआं ने, मिसाल दे तौर ते पिछे इन्हां ने रेरा जिहड़ा कि एक एपलेंट अथॉरिटी आ, जिहड़ा जिन्ने डिस्प्यूट गमाडा ते पुड्डा दे विचों अराइज़ हुंदे ने, उहदा जिहड़ा मैंबर लाउणा सी, उहदा चेयरमैन लाउणा सी, केजरीवाल ने अपना एक कोई उत्थों रिटायर्ड शायद एडिशनल चीफ सैकटरी सीगा, उत्थे सेवा मुक्त हो चुका दिल्ली चों, उहनूं लिया के रेरा दा चेयरमैन लाया, उत्थों ही लिया के रेरा दे मैंबर्स लाए ने। और उस तों बाद पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड जिहड़ा जिन्हें सानूं पढ़ाई करवाउणी आ, जिन्हें साडे बच्चों नूं पंजाबी सिखाउणी, गुरुआं दा इतिहास सिखाउणा, बाबा बंदा सिंह बहादुर दी जानकारी देनी आ, उह दिल्लियों लिया के कोई बीबी बेदी आ
उस चेयरमैन ला दिता पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड का। और हुण बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जिहड़ी आ साडी सब तो प्रीमियर यूनिवर्सिटी आ, मेडिकल कॉलेज है, उत्थे जिहड़ा इन्हां ने डॉक्टर राज बहादुर की तोहीन करके तो मिनिस्टर ने कढ़िया सीगा उन्हूं हटाउण तों बाद इन्हां ने हुण जिहड़ा भर्ती कीता वाइस चांसलर, इन्हां नूं कोई पंजाब चों चंगा बंदा नहीं लभ। जिहड़ा पैनल बनिया सीगा उहदे च पीजीआई का एक हैड ऑफ न्यूकलियर मेडिसिन प्रोफेसर बलजिंदर सिंह, एक शायद सैक्टर 32 चो हॉस्पिटल सीगा डॉक्टर कक्कड़ पंजाब दे रहण वाले, एक पटियाले का कोई एमिनेंट डॉक्टर सीगा, किसी नूं नौकरी नहीं दित्ती ते दिल्लियों लिया के मैं उहदा नाम ही भुल गया उस बंदे दा, वो जिहदा कोई लैण देण नहीं, जिहदा कोई सरोकार नहीं पंजाब दे नाल, उहनूं पंजाब जिहड़ी साडी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आ उत्थे लिया के उहनूं वाइस चांसलर साडे सिर दे उत्ते बिठा दित्ता। कि इस लई पंजाबीओ ते आम आदमी दे वर्करस नूं पुछणा चाहुंदा, इसलिए वोटां पवाईआं साडे तों तुसीं, तुहानूं किसे नूं मौका दित्ता, तुहानूं आ जिहड़ा लख लख रुपए की डायरैक्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, की तुसीं सोशल मीडिया से सारी गल करना नहीं जाणदे? झाड़ू के वर्करस नूं पुछणा चाहुंदा मैं, तुहाडी वारी कदी नहीं आवेगी? तुसीं सिर्फ जुत्तियां खाण लई ते दरियां चक्कण लई ते पोस्टर लाउण लई तुहानूं रख्या गया वा? एडी एडा भारी वितकरा साडे नौजवानां दे नाल कि सरकार बण गई हुण कोई पुछण वाला ही नहींगा, और एडा झूठ बोल रहे ने नित दिन। भगवंत सिंह मान इदा फोटोआं ला दिंदा अपनी, एक मिनट ऐ करके, आ पहली गल तो बड़ी एरोगेंट फोटो आ, एक चीफ मिनिस्टर सारे बोर्डा चला के, मैं कल मानसा जा रहा सी लाई पंजाब भ्रिष्टाचार मुक्त कर दिता, लै भी अपने दिल ते हथ रख के सहु खा के कही भगवंत सिंह मान कि भ्रिष्टाचार मुक गया पंजाब, बिल्कुल जिन्ना पहला भ्रिष्टाचार से उदनों कोई एक अद्धा गुणा वध होगा घटिया नहीं गा, सारा पूडा गमाडा, कोई चेंज ऑफ लैंड यूज, कोई सर्टिफिकेट लेना, कोई प्रवानगी लेनी, कोई बिल्डर ने काम लेना 100% पुलिस स्टेशन तहसीलों च सारे। और फिर कहते जी असी जाके स्टिंग ऑपरेशन कराया करो, लै मैं माड़ा जा मैं कैमरा लैके SDM के दफ्तर गया से भुलाथाड़े दे, उदन है नहीं सीगा मैं कहड़ा को दा कोई चोरी फड़नी सी, मैं सिर्फ लोगों नूं दसना सीगा कि आ साडे जिहड़े फसलों का नुकसान होया सी पिछली कणक का, कि आह साडा मसला, मैं SDM नूं मिलना, SDM हाजिर नहीं गा, मेरे ते FIR दर्ज कराती सी। और किड्डा झूठ बोल रहे पिछले दिन ही, आ किड्डे वड्डे पद्धर दे उत्ते हड़ आए पंजाब दे उत्ते, असी तां जी कल्ली कल्ली मुर्गी दा कल्ली कल्ली बकरी दा असी हरजाना देंगे, जिहड़े मगरले हरजाने ने, जिहड़ा साडा उह नरमा तबाह होया मालवे की धरती से गुलाबी सुंडी करके, पिछली कणक पिछला झोना, अखे विसाखी तो पहला ही गुरद्वारियां की तो लोड़ ही नहीं गई, असीं पहला ही तुहाडे विच पैसे पाते, कित्थे ने पैसे वो सारे? और हुण एक पासे इन्हां दा वित्त मंत्री ते मिनिस्टर्स कही जांदे जी साडे कोल पैसे है नहीं गे, असीं केंद्र नूं 1500 करोड़ रुपए का नुकसान भर के भेजिया वा, तो भगवंत मान कही जांदा इत्थे बैठा उसे कैबिनेट मीटिंग तो बाहर निकल के, सानू तो पैसा ही बहुत ज्यादा वा, सानू तो किसी गल की घाट ही नहीं गई, साडे कोल तो खजाना भरिया पिया वा। इन्ना दोगलापन सरकार दे विच, और एडा झूठ, पर जाके केजरीवाल नूं खड़ा कहते हमने पंजाब को भ्रिष्टाचार मुक्त कर दिया है, और सारे देश विच तुहाडे पैसे दे इश्तिहार लग रहे ने, 750 करोड़ रुपया पंजाब का बजट रखा होया मीडिया की मैनेजमेंट वास्ते, चंडीगढ़ शुरू हो जाओ लेक रोड तो लैके थले सारा चंडीगढ़ मोहाली ट्राई सिटी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, लख लख डेढ़ डेढ़ लख रुपए का बोर्ड जिहड़ा रात नूं जगदा वा, सारे एयरपोर्टां ते फोटोआं केजरीवाल ते भगवंत मान दीआं, और साडा जहाज इधर हड़ आ रहे ने, एक दिन सिर्फ पजामा लपेट के उत्थों मुड़ के केजरीवाल नूं लैके कदी कर्नाटका जा रहे जी, कदी दिल्ली जा रहे जी मीटिंगा, कदी बैंगलोर कर रहे ने मीटिंगा, और इत्थे बस नहीं, वॉट अबाउट VIP कल्चर? तुसीं कहिंदे सीगे जी असीं तां पेंशनां आणे ते जिहड़े सादे जे रेहड़ियां आलिआं नूं असीं मौका देवांगे, कित्थे गईआं तुहाडीआं रेहड़ियां ते कित्थे गए तुहाडे पेंचर? तुसीं मेरा ख्याल तुहाडा 1000 बंदे का अमला भगवंत सिंह मान दे परिवार दे कोल, और वड्डियां लैक्सस गड्डियां करोड़ां रुपए, चलो भगवंत मान तां चीफ मिनिस्टर है, इह तां अपनी गल तो मुकर के फिर भी VIP बन सकदा वा, पर इहदी माता, इहदी भैण, इहदी धर्मपत्नी सोने दे नाल लद्दियां होईआं, सोने नाल लद्दियां, इन्हां दे कोल 16 महीनों विच इन्ना सोना कित्थों आ गया जी? क्योंकि एफीडेविट मैं दिखाया सी तुहानूं उदन, भगवंत मान दे एफीडेविट विच सिर्फ 9.5 तोले सोना दिखाया गया वा, 9.5 तोलिआं तों 16 महीनों च किलोआं दे हिसाब नाल सोना, और 1-1 करोड़ रुपए की मुंदरी, ये कितों आया थोड़े को? विजिलेंस दूजिया दुआले तो बहुत घुमाने हो, मेरे खिलाफ 51 साल पुराना कढ के तुसी माल महकमे का साढ़े परिवार का अपना तो FIR दर्ज की है, कि विजिलेंस थोड़ी भी जांच करेगी कभी? हाँ, तुसी लुको लो, बचा लो कटारू चक, बचा लो सरबजीत कौर माणुके, बचा लो दीप कंबोज, बचा लो जगदीप कंबोज, बचा लो वो MLA जिन्हें पत्रकार के चपेड़ा मारियां, सबनों बचाओ, बट द क्राइम इज नॉट गोइंग टू बी एबजॉल्व।
क्राइम कंटिन्यूज टू बी देयर। जिहड़ा कटारू चक ने गुनाह किया उहदियां वीडियोज़ पब्लिक डोमेन ते सरकार दी फोरेंसिक लैब तो मंजूर शुदा पईआं ने पब्लिक डोमेन च। मत समझना कि यह कोई राज जिहड़ा वा कोई यह सदियां चलना, यह दो ढाई साल की खेड है सिर्फ, और उस तो बाद राज पलटा होगा, राज तब्दील होगा और सबनों अकाउंट देना पवेगा। जिदा तुसीं हुण साडे पार्टी के आगुआ के मगर चढ़े हुए ना, तुहानू भी देना पवेगा सारा। मत इदां ही समझदे सी पुराने आगू भी असीं जिन्ना मर्जी लुट लीए पंजाब नूं, किहड़ा कोई पुछण वाला, पुछण वाले बैठे ने और पुछया जाएगा सारा नूं। पर अज मैं तुहाडे नाल जिहड़ा विशा सीगा, आ जिहड़ियां साडे पंजाब दे नौजवानां नाल एडा भारी वितकरा हो रहा और सारियां नौकरियां बाहरले बंदियां नूं दित्तियां जा रहियां, यह भगवंत मान नूं इहदे बारे दसना चाहिए लोगों भी, क्यों नौकरियां दे रहा वा, कौन तेरे तो दवा रहा, चीफ मिनिस्टर तू आ कि कौन आ, ये तुहानूं आप दसना पवेगा। ये लोग जानणगे, पुछणगे और जिन्नियां गल्लां पब्लिक डोमेन च ओपोजिशन लैके आउंदी तुसीं किसी गल का उत्थे जाके जवाब दिंदे। और मैनूं दुख मीडिया ते अफसोस बहुत है कि जिहड़ियां गल्लां पुछण वालियां ने मीडिया दे, किसी मीडिया ने भगवंत मान नूं ड्रग्स ते क्वेश्चन किया, किसी मीडिया ने कहा कि तुसीं गैर पंजाबियों नूं राज्यसभा तो लैके पंजाब दीआं नौकरियां दित्तियां, किसी मीडिया ने पूछा कि तुहाडियां औरतां इन्ना गहने नाल लद्दियां ते सरकारी अमले का दुरइस्तेमाल क्यों कर रही, किसी मीडिया ने पूछा कि तुसीं हजारां आदमी सिक्योरिटी ते VIP ते साडे जहाज का इस्तेमाल क्यों कर रहे, किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ एक पासों आउंदा जिहड़ी गल उन्हां नूं सिखाई हुंदी मीडिया नूं, ताइयों मैं कुछ मीडिया नूं बिकाऊ लेबल किया, सारे नूं नहीं। बहुत अच्छे 22 के 25 चैनल कट्ठे होए ने मालवे की धरती ते, मैं उन्हां दे नाल आं और वह पंजाब दे लोकां दे नाल आं, इस करके मैं उन्हां दे नाल आं। परंतु मैं तुहानूं सब नूं कहना चाहुंदा कि ठीक है असीं वोटां पातियां, सरकार बनाती, पर इन्हां दे झूठे झांसियां च नहीं आउणा, चोणां फिर आउणियां ने, समां फिर आवेगा तुहाडे कोल, इन्हां दी झूठियां गल्लां ना सुणो। ये झूठ बोलण च, सोशल मीडिया च प्रचार करन, सरकारी पैसे का दुर इस्तेमाल करके एक पबलिसिटी वाली पार्टी है, इस तों इलावा इन्हां दा कुछ नहीं है। और मैं तुहाडे जरिए यह पुछना चाहुंदा भगवंत मान नूं कि तेरे कोई जवाब है कि तू पंजाब के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दे रहा, तो हरियाणा, तो राजस्थान, तो हिमाचल वाले क्यों दे रहा। गल्लां तो होर बहुत ने, होर बहुत करन वालियां तुहाडे नाल, ताइयों मैं वो बिल लिया रहा सीगा कि हिमाचल और राजस्थान की तर्ज ते साडा इत्थे कोई वोटर ना बन सके, इत्थे कोई आण के झटपट मालिक ना बन सके, लेकिन उस बिल का भी इन्हां ने निरादर किया, इन्हां ने कोई गल नहीं समझी, क्योंकि मेरा हिसाब नाल इन्हां नूं पंजाब ते पंजाबियां ते अपनी धरती दे नाल इन्ना प्यार नहीं गा जिन्ना ये दिखाउंदे ने, और इन्हां नूं कंट्रोल करन वाले इन्हां दे आका जिहड़े ने ओह दिल्ली बैठे ने। दस दी किस तों पहलां वी नौकरियां दा मामला काफ़ी भकिया सीगा, जिहदे विच इह कहा गया सीगा कि बाहरी सूबियां दे लोकां नूं तरजीह दित्ती जांदी है, बाहरी सूबे दे लोक पंजाब दे विच आ के नौकरियां करदे ने तां जिहड़े पंजाब दे नौजवान आ उहनां वास्ते रुजगार दे मौके घट जांदे ने। इत्थों तक कि यह भी कह गया कि बाहरले सूबों के जाके तुहाडे लई नौकरी करना, पंजाबियों लई नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इस दे बावजूद पंजाब दे विच ये सारा कुछ चल रहा है। इसे नूं लैके सुखपाल सिंह खहरा वल्लों ये सवाल खड़े किए गए हैं, हुण देखना होगा कि सूबे की मान सरकार इन्हां सवालों का की जवाब देती है। कैमरामैन गुरप्रीत सबरवाल दे नाल मैं धर्मेंद्र संधू, जुड़े रहो D5 चैनल पंजाबी दे नाल। निडर हाँ, निरपक्ष हाँ, आजाद हाँ, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।